और अब अगली खबर में बात करते हैं गुना की, जहां कुंभराज इलाके में फिर एक बार सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखी गई। मुस्लिम समाज के नगर अध्यक्ष ने मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ कराया, साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन किया। एक मुस्लिम युवक के सुंदरकांड कराने के पीछे की वजह भी बड़ी रोचक है। उसने अपनी पत्नी को नगरीय निकाय चुनाव में मैदान में उतारा था। उसने हिंदू देवस्थान पर जीत की मन्नत मांगी थी। पत्नी को चुनाव में जीत मिली और शनिवार जो उसने मंदिर पर जाकर कार्यक्रम कराया। दरअसल कुंभराज के वार्ड क्रमांक 9 में रहने वाले साजिद खान कांग्रेस कार्यकर्ता है। वह नगर के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। जुलाई महीने में हुए नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड 9 से साजिद खान ने कांग्रेस के टिकट पर पत्नी अस्मा खान को पार्षद का चुनाव लड़ाया था। उन्होंने मंदिर पर मन्नत मांगी थी कि उनकी पत्नी चुनाव में जीत जाएंगी तो वह सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। चुनाव में उनकी पत्नी ने जीत भी हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 73 वोटों से चुनाव में मात दी। इसी खुशी को उन्होंने नगर वासियों के साथ साझा करने कमरजी महाराज के स्थान पर सुंदरकांड पाठ कराया। आरोन की नीरज शर्मा भजन मंडली ने संगीतमयी सुंदरकांड किया। खास बात यह है कि इसके साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। जब साजिद खान से पूछा गया कि यह सब कराने की क्यों जरूरत पड़ी, तो उनका कहना था कि उक्त देव स्थान पर जाकर चुनाव में जीत की मन्नत मांगी थी। इसके चलते उक्त आयोजन किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता, नगर में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा आगे बढ़ती रहे। समाज में संदेश जाए कि फिजूल की बातों की बजाय युवा और आने वाली पीढ़ी दिलों को जोड़ने का काम करती रहे। कई प्रकार के अनुभव ऐसा वातावरण जो होता है धर्म संप्रदाय के ऊपर, वो आज उन्होंने ये बात की है कि परमात्मा दुनिया का एक है।